Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in, starting with chapter number 6, Triangle and its Properties. Now, before starting exercise 6.1, मैं आपको थोड़ा सा introduction देना चाहती हूँ कि हम इस chapter में और especially इस exercise में क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे. इसमें से बहुत चीजें आपको already पता होंगी and उसमें कुछ चीजें new होंगी. So, let's start. सबसे पहले everyone knows triangle क्या होता है. So, let's suppose I'm taking it as a triangle. अब यहाँ पे ये triangle है. Now, let's name it as A, B and C. A, B, C. ठीक है? So, this is triangle A, B, C. Now, over here, this and this are its angles. Like, this angle 1 is C, A, B. This is one angle. Then, let's suppose this is the second one. So, this is angle A, B, C. You can also say it as C, B, A या A, B, C दोनों में वो ही angle रहेगा जो बीच वाला है. ठीक है? ऐसे ही C में हो गया angle A, C, B. Again it can be B, C, A. ठीक है? Angle बीच में है, C means this angle. ठीक है? So ये होते हैं उसके angles. Triangle के अंदर जो angles हैं. अब ये जो है, like we have A, C, A, B, B, C. So, ये सब क्या है? ये सारी इसकी sides हैं. Triangle की sides हैं. Similarly, A, B, C. अब ये जो points हैं, this one and this one, ये सब क्या है? These are vertices. ठीक है? So, ये angles हो गए, ये sides हो गए and ये vertices हो गए. ठीक है? एक को आप बोलते हो, जैसे अगर मैं B की बात करूँ तो this is vertex B. लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूँ तो हम उसे pronounce करते हैं as vertices. ठीक है? So ये angles, sides and vertices. These are the three main things जो एक triangle के अंदर होती हैं. Now comes the next thing, that is median. अब एक triangle के अंदर median कौन सा होता है? Again, I'll take this triangle. ठीक है? अब इसका मीडियन क्या होगा? कोई भी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से पास होती है. अगेन दिस टाइम आई नेम इट एज ए बी सी. वर्टेक्स मतलब ए से पास हो, बी से पास हो, सी से पास हो, मतलब वर्टेक्स से पास होगी और जो वर्टेक्स की अपोजिट साइड है उसको मिड पॉइंट पे कट करेगी. जैसे कि अगर मैं ए से देखती हूँ, ए से अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी. ठीक है? सो ये अब यहां से वो लाइन सेगमेंट इसको ऐसे कट करेगी कि ये इसका मिड पॉइंट होगा. मींस ये साइड इक्वल होंगे बिकॉज ओ उसका मिड पॉइंट है. सिमिलरली एसी का मिड पॉइंट लेट्स सपोज यहां पे कहीं है. ठीक है? अब इस वर्टेक्स से अगर मैं बनाऊंगी तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है? एसी. सो यहां से अब जो ये बीजी गया है दिस इज दी मीडियन, क्योंकि वो वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है लाइन सेगमेंट और कहां तक गई है? एसी के मिड पॉइंट तक. ठीक है? सिमिलरली आप यहां से भी बना सकते हो, सी से, सी की वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड ए बी, मीन्स ए बी का मिड पॉइंट. सो यहां से अगर लाइक दिस, सो मीन्स ये अब यहां पे इसका मिड पॉइंट है ए बी का और वो सी से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुई है एच तक. तो सी एच मीडियन है, बी जी मीडियम है, ए ओ मीडियन है. मीन्स एक ट्रायंगल के अंदर आपके पास थ्री मीडियंस हो सकती है. ठीक है? सो ये है मीडियन. मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से पास होती है और जो ऑपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट पे जाके या उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. फाइन. नाउ नेक्स्ट कम्स एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड क्या होता है? Again, let's take a triangle. Now, altitude is again a line segment जो कि vertex से पास होती है. So, if this is a triangle ABC, तो let's suppose हम B से start करते हैं. अब ये vertex से पास होती है, लेकिन what it does is, let's suppose कि ये सामने वाली side पे गई. अब ये जरूरी नहीं है कि वो midpoint पे cut करे, but जहाँ पे ये cut करेगी, वहाँ पे ये perpendicular बनाएगी. Perpendicular मतलब 90 डिग्री का एंगल. सिमिलरली अगर ए से जाएंगे इट गोज लाइक दिस. सो ये यहाँ पे
परपेंडिकुलर बना रही है। सिमिलरली सी से जाएंगे, यहां पे ये इसके ऊपर एबी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी, तो एटीट्यूड हो गया जो वर्टेक्स से पास होगा और उसकी ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। सो वो हमारा एटीट्यूड है, एंड जो मिड पॉइंट पे कट करेगा वर्टेक्स से निकलते हुए, दैट इज मीडियन, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में जो हम यूज करेंगे दैट इज मीडियन एंड एल्टीट्यूड। इसके अलावा जैसे हमारे पास एंगल्स के टाइप होते हैं, हमने कर रखा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे हमारे पास एंगल के टाइप्स होते हैं लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, सिमिलरली ट्रायंगल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूं, सो दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाई इट इज एक्यूट? बिकॉज इसके जो एंगल्स होंगे वो सारे एक्यूट एंगल है, ठीक है। सो दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब हो सकता है ये 60 डिग्री हो, ये भी 60 डिग्री हो और ये भी 60 डिग्री हो, ठीक है। सो ये एंगल क्या बोलेंगे इसको हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल, सो नाउ दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसका जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। सो इफ इवन इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी राइट इट एज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली एक्यूट हो गया, राइट हो गया, वन इज लेफ्ट, दैट इज ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे दिखता है? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो दिस विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। So this was an introduction to triangles. Now we'll start exercise 6.1 and we'll use these topics जो भी हमने discuss किए हैं। So let's begin.